हाय एवरीवन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और अभी जस्ट हम उठे ही हैं, ब्रश वगैरह किया है और बस अब नहाते हैं और निकलते हैं आज दिल्ली के लिए वापसी। अभी तो खैर बहुत अंधेरा है बाहर और मैं थोड़ा सा स्लो बोल रही हूँ बिकॉज सब सोए हुए हैं अभी घर पे। आई होप यू कैन बियर विद मी। मैं आपको बाहर का सीन दिखाती हूँ। लुक, बिल्कुल अंधेरा है, थोड़ा सा ना नहीं अंधेरा ही है। लुक, अभी बहुत अंधेरा है बाहर। सो फटाफट से रेडी होते हैं और मिलते हैं आपको कार में, ठीक है? चलो जी। सो यहाँ पे हम भी रेडी हो गए हैं एंड हमारे बैग्स भी। सो अब बस निकलते हैं, वैसे सब सो रहे हैं अभी, उन्हें उठाते हैं। सो यहाँ पे हम बैग्स रखते हुए, सो यहाँ पे सबसे पहले कान्हा जी बैठते हुए, उनकी टोपी उतर गई। सबसे पहले यही बैठते हैं हमारे साथ, हमारे साथ हमेशा चलते हैं ना। बिल्कुल, जय श्री कृष्णा, जय माता। So, ये सारे पर्क्स होते हैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलने के। 6:30 बजे तक निकल चुके थे ना इतने घर से, 6:40 पे हम घर से निकल गए थे एंड अभी टाइम हो रहा है 9:14 एंड हम स्मालखा पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट क्रॉस हो चुका है। सिर्फ 51 किलोमीटर रह गया दिल्ली और हम सुबह से कुछ हमने खाया भी नहीं हुआ, अब तो भूख भी लग रही है थोड़ी थोड़ी, तो हम रुक के पहले कहीं कुछ खा लेते हैं, उसके बाद जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे और आपको भी दिखाते हैं आज हम कहाँ खाना खाने वाले हैं। इस बार हमने सोचा नीलकंठ पे ना खा के कुछ और ट्राई करें, है ना। यूजुअली बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है कि हम नीलकंठ पे ही ट्राई कर रहे हैं, पहले पुराने वाले पे रुका करते थे ज़्यादातर, अब जब से नया वाला खुला है तो हम स्पेशली नए वाले पे आते हैं, बट आज सोचा कि नहीं आज कुछ नया ट्राई करते हैं, देखते हैं कहाँ रुकते हैं। आई अपडेट यू गाइस। इस बार ना ट्रैफिक भी कम है, मतलब मॉर्निंग में निकले दैट्स व्हाई, पिछली बार तो बहुत ट्रैफिक था, पिछली बार तो खज्जल हो गए थे। सही में 7-7.5 घंटे लग गए थे, थक भी गए थे बहुत ज्यादा बैठ के। यार पिछली बार ना वहाँ मिल गया था ना ट्रैफिक, दिल्ली में भी ट्रैफिक था, दिल्ली से निकलते ही हम लेट हो गए थे काफी, कुंडली बॉर्डर पे सिंघू बॉर्डर पे भी बहुत ट्रैफिक था। हमने सोचा था चलो 8:30 निकल रहे हैं, 10-11 बजे तक वहाँ से निकल जाएंगे दिल्ली से पार, मैक्स टू मैक्स 11 बजे तक निकल जाएंगे, 12:30 एक दिल्ली में ही दिल्ली में बच गए थे, सिंघू बॉर्डर पे ही बच गए थे, मतलब एक घंटा तो हम ऑलमोस्ट वहीं खड़े रहे थे जैसे निकले हम। वो रास्ता खराब था, पानी पानी हो रहा था, हाँ नरेला की तरफ, हाँ तो बुरा ही हाल था, बट अब सही है, पहली बार हमें धुंध मिली है। हाँ जितनी बार ट्रैवल किया है हमने सर्दियों में, हमें आज तक नहीं मिले धुंध, चाहे हम दिन में आए हैं चाहे रात में आए हैं। आज मौसम देख लो, गर्मियों के दिन स्टार्ट हो गए हैं, इंद्री के पास हमें धूल मिल गई, वो पूरा पैच कवर था फॉग से। काली माता मंदिर जय कर लो। आज हम ट्राई करने वाले हैं हवेली, ये इकलौता वर्ड है हवेली पंजाबी जो मुझे पढ़ना आता है सीरियसली। एक ढाबा भी आता है, 2-3 आते हैं, मतलब ढाबा और हवेली। चलो मैं आपको दिखाती हूँ व्यू।
समोसे छोले, एक प्लेट हमने समोसे छोले ऑर्डर किए और साथ में एक मिक्स कुलचा, अमृतसर कुलचा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आया। तो यहाँ पे कुछ चटनी, चने, चटनी और दो क्यूट क्यूट समोसे, देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं गाइस। मुझे तो रहा नहीं जा रहा, चाय आ गया, तो शुरू करें। मैं तो कर रहा हूँ, मैं भी खाऊंगा। गरम है और तो मजेदार। बढ़िया यार, अच्छा। चलो उसको करो बाय बाय। देखो आपको दिख रही होगी वो वाली है ना, ये वाली जिस पे जय माता दी लिखा है, चलो उसे बाय करो क्योंकि आज हम ये वाली लेके जा रहे हैं। नहीं यार वो ज़्यादा अच्छी है, चलो बाय। ये तो चलनी भी नहीं हमसे, बाय बाय। गर्मी लगी ना, बहुत गर्मी थी, मतलब धूप भी बहुत तेज निकली हुई है। एसी ऑन करो, मैं नहीं, पहले गाड़ी स्टार्ट होगी फिर ऐसे ही होगा। इट्स रियली डिफिकल्ट यार, वहां धुंध थी और यहां तो ठंड थी, इतनी ठंड थी। मैं निकला गाड़ी लेके, हो ला 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 ला। वेलकम बैक एवरीवन। ऑलरेडी हम टायर्ड तो थे ही और घर आके हमें इतनी मज़ेदार नींद आई ना, बस हम सो गए आके। सुबह 4:30 बजे के उठे हुए थे, थक ही गए थे, ट्रैवल भी किया और नींद तो आनी थी फिर। और अभी हम उठ गए हैं, फिर से 7:00 बज गए। अब उठ के अपना ऑफिस का काम करते हैं दोनों और साथ में थोड़ा कुछ पेट पूजा करते हैं, कुछ खाते हैं एंड बस आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग्स हमारे पसंद आ रहे हो और आज का भी व्लॉग आप आई होप आपको पसंद आया हो। इफ़ येस तो आपको पता ही आपको क्या करना है, फटाफट से लाइक कर दो वीडियो को और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दो। एंड एक चीज़ और करो ना प्लीज़, आप सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और उसके साथ में एक नोटिफिकेशन बेल है उसे भी प्रेस कर देना सो दैट आप अपडेट रहोगे हमारी कौन सी वीडियो कब आ रही है। सो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। True.